राहुल गांधी की ये दो बार जो रायबरेली के दौरे हुए उसके बाद तमाम तरह की बातें हो रही हैं कि क्या राहुल गांधी अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 80 ईयर से करीब हो जाएंगे, 79-80 ईयर, वो ढलान पर है अपने राजनीतिक रूप से, और राहुल गांधी 5 साल बाद अभी 58-59 के होंगे, तो राहुल गांधी के पास समय है, आने वाला समय राहुल गांधी अपने लिए देख रहे हैं 5 साल बाद, भारत के भविष्य के प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले नेता के रूप में, ताकि बीजेपी तो विरोध करे, जो साथी दल है वो उनके साथ खड़े हो कि ये हमारा नेता है, वो उस स्थिति में भी अभी राहुल गांधी नहीं पहुंचे हैं, और ये कांग्रेस को और राहुल गांधी के लिए स्वयं भी चिंता का कारण होना चाहिए। ठीक है, 2027 में विधानसभा चुनाव होने उत्तर प्रदेश के, और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन रखते हुए भी वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे सीटें उनको मिले और वो जीते, तो इन सब को देखते हुए राहुल गांधी जो है अपनी राजनीति को एक नई धार देने में जुटे हुए हैं। राहुल जी को मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि पिछले 10 साल से हमेशा मोदी जी राहुल जी को ही सामने रख के राजनीति किए हैं, और मुझे लगता है यही एक कारण था कि अवतरित और विलुप्त होने का जो एक केंद्र रहा है उसमें उनके अवतरण में मोदी जी की भी भूमिका थी। कांग्रेस का संगठन कमजोर है, भाजपा 240 पर होने के बावजूद भी संगठनात्मक स्तर पर कमजोर नहीं है, तो इस चुनाव से अगर आप प्रतीकों को बड़ा संकेत मान लेंगे तो फिर गलत दिशा में जाएंगे, और ये संकेत को सही करने का समय है। राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो अच्छा है, उनकी व्यक्तिगत छवि के लिए अच्छा है, क्योंकि उनकी छवि में दिक्कतें थी।